यात्रा में भी यदि कोई कमाई करनी है तो केवल आशीर्वाद की कमाई करो। आशीर्वाद कभी मांगा नहीं जाता है। जीवन में अपना कर्म, अपना व्यवहार, अपनी वाणी, अपना स्वभाव, अपनी व्यक्तित्व, अपना पर्सनालिटी ऐसी बनाओ कि सामने वाले के मुख से नहीं, हृदय से आपके लिए आशीर्वाद निकले। मुसीबत में जो काम कभी कभी कई करोड़ों रुपए नहीं कर पाते हैं, वो काम एक छोटा सा आशीर्वाद करता है। दिल्ली के पश्चिम बिहार में स्थित GS13 RWA द्वारा सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को GS13 RWA के प्रधान RK मित्तल व जनरल सेक्रेटरी JP शर्मा के नेतृत्व में आयोजित किया गया। हम दो साल से प्रोग्राम रखा हुआ था, 2020 2021, परंतु प्रभु की जब इच्छा होती है तभी वो प्रोग्राम लेता है। आज का दिन बड़ा शुभ घड़ी का दिन है जो बहुत दिनों के बाद आया, और हम परमपिता परमेश्वर से हमेशा आशा करते हैं ऐसे ही हमारी मनोकामना पूरी करती रहे। और ये हम कोई करने वाले नहीं, समाज के द्वारा, समाज के प्रति सब भगवान ने किया है और हम महात्म हैं उसके। हम अपनी परंपरा जो बनाना चाहते हैं, बुजुर्गों को हमें कुछ देना चाहिए, समाज को देना चाहिए, और वो इसी तरह देते थे जब आयोजन होते हैं। आयोजन के अंदर बैठते हैं बच्चे, बैठते हैं बुजुर्ग, बैठते हैं बूढ़े, बैठते हैं हम लोग, बैठते हैं ताकि कि आगे वाली पीढ़ी वो सीखे कि हमारे बुजुर्ग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसकी चर्चा हो। इस अवसर पर सैकड़ों की तादाद में स्थानीय जनता उपस्थित रही। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने पाठ का भरपूर आनंद लिया और प्रभु श्री राम और हनुमान जी के जीवन काल की कथा सुनी। जो हमारी GS13 की एक लार्ज फैसिलिटी है, वो सारे एक साथ बैठ के इसका सुंदरकांड के पाठ का आनंद उठाए। कोई एक जगह ऐसी नहीं मिल रही थी जिसे सब लोग बैठ के आनंद, तो ये मुख्य उद्देश्य है। दूसरा, काफ़ी दिन हो गए, 2 साल हो गए कोविड की वजह से लोग कोई आना जाना बंद हो रहा था, तो एक रिलीजियस प्रोग्राम से आनंदित है। इस अवसर पर आए सभी श्रद्धालुओं ने भगवान का आशीर्वाद लिया और सुंदरकांड पाठ के समापन में सभी भक्तों ने मिलकर आरती पूजन भी की। दिव्य दर्शन और DD न्यूज़ को बहुत बहुत पहले बधाई देते हुए कि आपके माध्यम से जितने दर्शक लोग आज के सत्संग को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको प्रणाम, उनको बहुत बहुत बधाई देते हुए कि आज हम सब मिल करके GS13 के अंदर सत्संग कर रहे हैं। बड़ा मुश्किल था 2 साल के अंदर जो लोगों ने भुगता है, और जो कुछ भी यूक्रेन में हो रहा है, हम सब यहाँ से बैठ करके इस पूरे विश्व को शांति मिले, चाहे कोरोना हो और चाहे विश्व युद्ध हो, उन सब से शांति मिले, उसके लिए हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबको बधाई देते हुए, आप सबके लिए मंगल कामना करते हुए कि भगवान आप सबके घर में सुख समृद्धि दे। इस कार्यक्रम की सभी अतिथियों ने जमकर सराहना की और सभी ने प्रसाद भी ग्रहण किया। इस कार्यक्रम में RWA और सोसाइटी के सभी पदाधिकारियों ने अपना भरपूर योगदान दिया। जो व्यक्ति खुद कुछ नहीं कर पाता है, वो दूसरे से भी आशा नहीं रखता कि वो कुछ कर पाएगा। ये ईर्ष्यालु मन हमारा होता है, ईर्ष्या वाला। तो किसी ने कहा इनकी परीक्षा दे, तो हनुमान जी की बल और बुद्धि की परीक्षा करने के लिए सुरसा को भेजा गया। सुरसा आई और हनुमान जी को बीच रास्ते में ही रोक लिया, कहा मुझे भूख लगी है, मैं खा जाऊंगी। हनुमान जी ने बहुत समझाया, माँ राम कार्य करने जा रहा हूँ, वचन देता हूँ, वापस आकर के प्रभु को सूचना देने के बाद आपके मुख में मैं खुद प्रवेश कर जाऊंगा, मुझे खा लेना। सुरसा ने कहा मैं सर्प की माता हूँ, मुझे जब भूख लगती है तब मैं अपने बच्चों को भी खा जाती हूँ, मुझे भूख लगी है, मैं भी खा जाऊंगा। हनुमान जी ने 100 योजन का बड़ा बनकर के बल का प्रदर्शन किया और छोटा बनकर के बुद्धि का प्रदर्शन किया, और हम सबको ये दिखाया कि जीवन में छोटे से बड़ा बनना बहुत आसान है, लेकिन बड़ा बनने के बाद विनम्र बनना, छोटा बनना बहुत मुश्किल होता है। जिसको जीवन में बड़ा बनने के बाद छोटा बनना, विनम्र बनना आ जाता है, वही व्यक्ति जगत में राम कार्य कर सकता है। और श्री हनुमान जी ने पहला आशीर्वाद अपने विरोध करने वाली से ही प्राप्त किया, आशीष दे कई सो हर्ष चले हनुमान।